Hello everyone, welcome back to my channel. It's Beauty Beats and I'm Priyanka here. Hope you all are doing good. Today I'm going to share a very important topic, that how to do a bleach at home. So let's get started. Today I'm going to share this pack with you, and ये मैंने अपने एक haul में share किया था, and this is VLCC Insta Glow Diamond Bleach, and this is the packaging look like. You can see, and ये Insta Glow bleach है with the diamond extract and with diamond भस्म and sparkling fairness है इसमें, and ये काफ़ी बड़ा pack है तो आराम से 4 to 5 times easily चल जाएगा आपके face पे. And इसकी cost मैं आपको बता दूँ, ये 110 rupees का है और definitely आपको किसी ना किसी website पे आराम से offer मिल सकता है, तो आप भी इसे purchase कर सकते हो. और तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडियंस में काफ़ी सारे फेस्टिवल्स होते हैं एंड मैरिजेस चल रही हैं एंड लॉट्स ऑफ फंक्शंस कुछ ना कुछ होते रहते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि हम लोग फेशियल कर लेते हैं, ब्लीच कर लेते हैं, एंड रेस्ट ऑफ मेकअप तो देखा जाएगा बाद में, लेकिन हम लोग पहले अपनी स्किन को प्रिपेयर तो करें किसी भी चीज़ के लिए. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो जैसे ही ब्लीच एंड फेशियल माइंड में आता है, सबसे पहले क्या सोचते हैं हम लोग, पार्लर. एंड पार्लर के तो आपको पता ही है, एक सिंपल सा फेशियल हो या ब्लीच हो, आराम से आपके 1000 रुपीज़ से 2000 रुपीज़ तक आपके आराम से पार्लर में चले जाते हैं ईजिली. नो डाउट उनके रिजल्ट तो अच्छे मिलते ही हैं, बट अगर आपको ऐसा कुछ बेनिफिट्स मिल जाए कि वही सारा सब कुछ आपको घर में प्रोवाइड हो जाए और आपको तरीका पता चल जाए कि कैसे करते हैं ब्लीच, हाउ टू डू ब्लीच एट होम, हाउ टू डू फेशियल एट होम. अगर आपने मेरा फेशियल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को देखिए एंड लाइक करिए एंड शेयर करिए. तो नेक्स्ट, ये दिस इज़ द टॉपिक फॉर हाउ टू डू ब्लीच एट होम. तो मैं यहाँ पर VLCC की Insta Glow Diamond ब्लीच यूज़ करूँगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, एंड मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से इसे इस्तेमाल कर रही हूँ. और ब्लीच का क्या बेनिफिट है, पहले तो ये हमारी सन जो टैनिंग होती है उसको रिमूव आउट करता है. सेकंड, जो हमारे हेयर्स होते हैं, फेशियल हेयर्स होते हैं, काफ़ी लोगों के यहाँ पे ब्लैक ब्लैक करके हेयर्स होते हैं, उनको थोड़ा सा ब्राउन अप करने के लिए काम आता है, थोड़ा सा उनको हमारे स्किन से मैच कर देता है. तो अगर आप उसके ऊपर कोई भी नेक्स्ट मेकअप करोगे ना, तो वो बहुत ही अच्छा एक फ्लॉलेस लुक दिखता है. एंड थर्ड चीज़ ये होती है कि जो भी हमारी स्किन में डेड स्किन डेड सेल्स होती हैं एंड काफ़ी सारे जिनको प्रॉब्लम हो जाती है कि फेस मतलब ग्लो नहीं कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो इन सब का निजात ये है कि आप 2 महीने में एक बार एटलीस्ट ब्लीच करना ही करना चाहिए. और लॉट्स ऑफ इसके बेनिफिट्स हैं, और नॉर्मल जो ड्राई स्किन वालों के लिए भी अच्छी रहती है, ऑयली स्किन वालों के लिए तो भी बहुत अच्छी रहती है, बट सेंसिटिव स्किन वालों के लिए मैं थोड़ा सा ये कहूँगी कि अगर आप जब भी ब्लीच लगाने जा रहे हो फर्स्ट टाइम, तो आप अपना हैंड पे टेस्ट ले लीजिए, तक कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको इचिंग हो रही है. अगर इचिंग हो रही है तो आप उसको बिल्कुल भी अप्लाई मत करिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पाउचेस मिले हुए हैं इसके साथ, और ये आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, VLCC की इंस्टा ग्लो प्री ब्लीच क्रीम, ये आप देख पा रहे होगे. अब इसके 2 पाउचेस दिए गए हैं, ये एक ही दूसरा पैक भी है इसका, और ये आप देख सकते हो इसके साथ ये पोस्ट ब्लीच पैक दिए गए हैं, जो कि 2 है, और 2 प्री पैक भी दिए गए थे. तो ये काफ़ी एक अच्छा पॉइंट है कि आपको कुछ भी हार्म नहीं करेगा, कोई भी इसमें केमिकल्स जो होंगे जिससे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगेंगे, और प्री ब्लीच से भी काफ़ी इफेक्टिव हो जाएगी. और ये 2 पैक दिए गए हैं, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा अमाउंट दिया गया है. और नेक्स्ट ये दी गई है क्रीम, आप देख सकते हो ये है ब्लीच क्रीम, जो कि 40 ग्राम्स की है, अच्छी खासी क्वांटिटी मिली है, और सब कुछ इसमें मेंशन किया गया है. इसका बड़ा पैक है ये, और ये 2 एक्टिवेटर दिए गए हैं इसके साथ, आप देख सकते हो ये 2 एक्टिवेटर्स दिए गए हैं. और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक बोल लिया है, और ये क्रीम है, और ये एक ऊपर कैप लगा हुआ था, एंड इसके ऊपर एक लिड भी दी गई है ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो सेफ रहे. आपको इस तरीके से इसे ओपन करना है. एज यू कैन सी, इसमें अच्छा अमाउंट दिया गया है,
और ये एक स्पैचुला दिया गया है आपको, इस स्पैचुला से अपने फेस के अकॉर्डिंग आपको क्वांटिटी निकालनी है। और मैं सिर्फ यहाँ पे भी अपने फेस पे अप्लाई करूँगी तो वन स्पैचुला काफ़ी है, इसे मैं बोल में ले लूँगी और थोड़ा सा और लेना है एंड दिस मच इज सफिशियंट। एंड नेक्स्ट क्या करना है आपको, एक्टिवेटर लेना है। एक्टिवेटर आपको इसी के हिसाब से ही आपको डालना है, जितना भी आपने ये लिया था क्वांटिटी उसी के हिसाब से एक चुटकी ही डालना है। ये है एक्टिवेटर, मैं थोड़ा सा ही डालूंगी और ये लिया है इतना अमाउंट एक चुटकी, देख सकते हो आप। और इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसको तब तक अच्छे से मिक्स करना है जब तक ये इसके सारे पार्टिकल्स एक्टिवेटर के क्रीम में मिक्स ना हो जाए अच्छे से, और 1 मिनट तक आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हो कि मैंने अभी अपने हेयर बैंड लगा लिया है और जिससे कि मेरे हेयर सिक्योर हो जाएं। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपनी प्री ब्लीच क्रीम यूज़ करूँगी, हैंड पे लेके अपने ऑल ओवर फेस पे अप्लाई कर लूँगी, अच्छे से मसाज करूँगी। एंड फेस को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्लीच करने से पहले। एंड ये मेरा पैक तैयार हो चुका है एंड मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसे अपने ऑल ओवर फेस पे अप्लाई करूँगी और धीमे धीमे करके आपको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है। एंड आपको अपने आई एरिया को के आसपास नहीं लगाना है, थोड़ी सेंसिटिव होती है जिससे कि आँखों में जलन होने का रहता है थोड़ा सा आँखों से। और आपको जहाँ भी लगता है वहाँ पे आप लगाइए और नेक पे लगाइए, अपने नोज़ पे, फोरहेड पे, ऑल ओवर फेस पे अप्लाई करना। बस आपको अपने हेयर्स एंड आईज़ को कवर नहीं करना है, थोड़ा उनसे दूर ही रखना है। मेरी ब्लीच पूरी तरीके से सूख चुकी है और मैं अभी फेस अपना वॉश नहीं करूँगी, उसके पहले एक टॉल को गीला करके फेस को वॉश पोंछ लूँगी। एंड आफ्टर दैट मैंने अपना फेस पानी के साथ अच्छे से वॉश कर लिया है और आप देख सकते हो एक बहुत ही अच्छा से ग्लो आया है। और अगर आपकी थोड़ी सी स्किन सेंसिटिव है तो आप एक काम करिए, एक आइस क्यूब को लेके एक कॉटन के कपड़े में लेके इस तरीके से अप्लाई करिए। क्यूब्स को कभी भी डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट मैं एक ड्राई टॉवल की हेल्प से अपना पूरा फेस पोंछ लूँगी एंड आफ्टर दैट मैं गुलाब जल अपने ऑल ओवर फेस पे अप्लाई करूँगी तो थोड़ा सा सूदिंग लगेगा एंड थोड़ा सा जो स्किन में थोड़ी सी जलन होती है उससे राहत मिल जाएगी आपको और बहुत ही अच्छा लगता है लगाने के बाद। एंड आफ्टर दैट पोस्ट ब्लीच पैक मैं अप्लाई करूँगी, आप देख सकते हो, और इसे अपने हैंड पे लेके ऑल ओवर फेस पे अप्लाई करना है। एंड आफ्टर दैट आपको अपना फेस वॉश कर लेना है, इतना अमाउंट सफिशियंट है। दोनों हाथों में रब करके ऑल ओवर फेस पे अप्लाई करना है आपको। सो या दिस इज़ माई फाइनल लुक, मेरा चेहरा काफ़ी क्लीन हो चुका है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।